नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट। आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिंग सुपर एफटीए सेट टॉप बॉक्स के बारे में। दोस्तों जिंग सुपर एफटीए सेट टॉप बॉक्स जो कि 2 साल और 4 साल की वैलिडिटी के साथ आता है, जब आप इस सेटअप बॉक्स को परचेज़ करते हैं दोस्तों, तो सेटअप बॉक्स के साथ ही जो डिश टीवी के द्वारा उस सेटअप बॉक्स की वारंटी है वो चाहे साल भर की हो, चाहे किसी किसी सेटअप बॉक्स की 2 साल की भी होती है दोस्तों, तो वो आपको मेंशन रहती है। एज पर वारंटी दोस्तों आपको बिल्कुल क्लेम मिलेगा। और एक सवाल कमेंट सेक्शन के माध्यम से आया था कि जिंग सुपर एफटीए सेटअप बॉक्स की जो वारंटी है उसको अगर क्लेम करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। दोस्तों जब भी आप कोई भी नया सामान परचेज करते हैं तो उस सामान के साथ, सामान से हमारा मतलब है वो चाहे आपका सेटअप बॉक्स, चाहे कोई मान लीजिए टीवी ही आप खरीद रहे हैं, तो वारंटी तो हर सामान का होता ही है, वारंटी पीरियड में होता है। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके हिसाब से कंपनी उस प्रोडक्ट को या तो वापस करती है या तो फिर रिपेयर करके देती है। तो दोस्तों वारंटी क्लेम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। इसमें आपको करना क्या है कि आपको डिश टीवी कस्टमर केयर कॉल करना है। कस्टमर केयर का नंबर है 9501795017। यहाँ आप कॉल करें और कुछ बातों का ध्यान रखें। जब आप कॉल करें तो जो भी डिटेल्स हैं आपके सेटअप बॉक्स संबंधित उनको आप नोट कर लें, यानी कि सेटअप बॉक्स का मॉडल नंबर, सेटअप बॉक्स आपने कब परचेज़ किया, सेटअप बॉक्स आपने कहाँ से परचेज़ किया, ये सारी बातें वहाँ बताएं। और जो सेटअप बॉक्स परचेज़ करते समय आपने अपना डिटेल दिया था, पर्सनल डिटेल, जो भी आपका सेटअप बॉक्स का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, आपका नाम, ये सारी चीज़ें आप रखें दोस्तों सामने। तो इसके बाद दोस्तों कॉल करें कस्टमर केयर, और कस्टमर केयर कॉल करने के बाद जब आप ये सारी डिटेल्स बताएंगे, वहाँ पर सिस्टम पर जो भी चेक करने के लिए बैठे होंगे सारे डिटेल्स को वहाँ चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों एज पर रूल्स जो आपके सेटअप बॉक्स की वारंटी होगी उसके हिसाब से क्लेम में मिल जाएगा। तो कह सकते हैं दोस्तों कि एकदम सिंपल प्रोसेस है। और ये मैं तो कई डिश टीवी के सेटअप बॉक्सेस यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, जब समय समय पर ज़रूरत पड़ती है, तो अगर वारंटी पीरियड में बॉक्सेस होते हैं तो एज पर रूल्स दोस्तों नियमानुसार ही वो चेंज हो जाते हैं बॉक्स या तो बना दिए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आपके मन में इस वीडियो से संबंधित सवाल है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।